दो तीन बच गए इंटरव्यू के। चेयरमैन मिस्टर गंधर्व सिंह जी, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें इतना अच्छा वेन्यू दिया चेस प्रमोशन के लिए। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि तमिलनाडु, गुजरात और केरला, इन सभी बड़ी बड़ी जगहों पे ना चेस एक सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे सबसे अच्छे ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर सबसे ज़्यादा वहीं से निकल रहे हैं। और मैं वाइस प्रिंसिपल सर जी का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कहा कि हम स्कूल की तरफ से, अपने कॉलेज की तरफ से एक इवेंट करवाना चाहते हैं जिससे बच्चों को प्रमोशन मिलेगी और एक्सपोजर मिलेगा। और पूरे स्टाफ मेंबर का बड़े अच्छे दिल अपने हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने पूरा मिलजुल के साथ देके टूर्नामेंट को एक अच्छे सक्सेस किया। तो अभी मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं चाहता हूँ कि बच्चों को आप ये मोबाइल से बचने के लिए सबसे अच्छी गेम है ये चेस, इससे ऊपर कोई भी माइंड गेम नहीं है। बच्चा जब सीख जाता है अच्छे से, वो चेस की तरफ भी ध्यान करेगा और पढ़ाई की तरफ भी ध्यान करेगा। जो बच्चा चेस खेलता है वो कभी भी नालायक नहीं हो सकता। ये भी कम्युनिकेशन करता है कि उतार चढ़ाव चेस में क्या है, कि चेस हमें बहुत कुछ सिखाती है। बिना छोड़े तालीम के बच्चों का हौसला बढ़ता है। इसको दो मैम आप खो। अगला बच्चा है आयुष। बाद में बच्चा कोई जाएगा नहीं, एक दो फोटो ले लिया हमने बेटा। श्रीना मैम लुक स्ट्रेट, श्रीना मैम राधिका मैम स्माइलिंग फेस, पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने ये इवेंट हमारा जो कवर किया है, इसमें हमारे 52 जो कैंडिडेट थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, 6 साल के बच्चे से लेकर मीन्स 21 ईयर तक बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट किया। इसमें हमारे
कुछ कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया है, जैसे कॉस्मिक कॉलेज के स्टूडेंट्स आए थे, राजीव गांधी कॉलेज के स्टूडेंट्स आए थे। इसके अलावा जो लोकल जितने भी स्कूल्स हैं उनको भी हमने इनवाइट किया था, तो उनमें से भी काफ़ी स्कूलों ने के बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में सबसे जो ज़्यादा सहयोग किया है वो रवि शर्मा जी हैं, जो यहाँ के कठुआ के डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस चेस को टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में, हम सक्सेसफुल बनाने में। दूसरा ये है कि चेस टूर्नामेंट हमने इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया है कि एक तो आजकल जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं और अपना बहुत सारा जो प्रेशियस टाइम है वो उसमें वेस्ट कर देते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जो चेस है उसको बच्चों में पॉपुलर बनाएं, ताकि बच्चे जो है मोबाइल को छोड़ के चेस की तरफ वो इंटरेस्ट क्रिएट हो उनका और वो चेस खेलें, तक क्योंकि चेस एक ऐसी गेम है जिसमें क्या है बच्चों का जो ब्रेन है वो शार्प करती है ये, और उनको किसी भी एक्टिविटी में फोकस करती है कि कैसे उस एक्टिविटी को पूरा ब्रेन लगा के पूरा दिमाग लगा के उसको हमने खेलना है। दूसरा ये है कि आज की डेट में चेस जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है पूरे वर्ल्ड लेवल में। इसमें हमारे कंट्री में 2-3 स्टेट्स ही हैं, तमिलनाडु है, केरला है, गुजरात है, तो वो साउथ की स्टेट्स ही हैं इसमें आगे हैं। तो हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी चेस को अच्छा प्रमोशन मिले, तो इसलिए हमारा ये चेस का टूर्नामेंट करने का ये हमारा ये प्रोग्राम बना। तो इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपने जितने भी हमारे टीचर्स स्टूडेंट्स और मीडिया, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ इसको।